हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने रविवार को पलवल जिले के होडल के गांव सोन पहुंचकर जन जागरण अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा देश भर में जन जागरण अभियान शुरू किया गया है, जो आगामी 29 नवंबर तक चलेगा। अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर उन्हें वर्तमान भाजपा सरकार की गलत नीतियों के बारे में जागरूक करेंगे। इस अवसर पर होडल के पूर्व विधायक उदय भान, महिला जिलाध्यक्ष पलवल सविता चौधरी और अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों को राशन डिपो के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला सरसों का तेल भी बंद कर दिया है। यूपीए की सरकार में सिलेंडर मात्र 400 से 500 रुपए प्रति सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार में सिलेंडर का रेट 900 से 1000 रुपए में मिलता है। भाजपा सरकार में कालाबाजारी हो रही है और इसका सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। भाजपा सरकार के शासन में बीपीएल परिवार के लोगों के कार्ड बनने बंद हो गए हैं। प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए प्लॉट नहीं काटे, सरकार ने इंदिरा आवास योजना को बंद कर दिया और गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध नहीं करवाए। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को नंबर वन बनाया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर वन बना दिया है। सोनिया जी और राहुल जी के निर्देश पर कांग्रेस जन घर घर जा रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, और आपने देखा कि लोगों का एकदम जन सैलाब सा उमड़ पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज सुनती है और उनकी आवाज उठाती है, उनकी आवाज बनती है। अभी आपने देखा कि हम बहनों से बात कर रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, गैस बढ़ गया है, आज के दिन खाद मिल नहीं रही है, डीएपी की इतनी किल्लत है। बहनें कह रही हैं कि अगर सारा दिन लाइन में खड़े होंगे तो कमाई क्या होगी। बहनों को पानी की इतनी किल्लत हो रही है, यहाँ पर ये कौन सा विकास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने झूठ बोल बोल कर लोगों से वोट लिया और आज महंगाई से हमारी जनता त्रस्त है। गरीब के लिए सबसे ज्यादा मार पड़ रही है और बहनें क्या कह रही हैं कि मिर्चे कूट कूट के हम चटनी बना के खाना खा रहे हैं। आज ये हालत हो गई है आम लोगों की, और गरीबों के लिए तो कोई निजात नहीं है। कोई किसी के राशन कार्ड गरीबी रेखा के बन नहीं रहे हैं, पेंशन मिलती नहीं है टाइम से। इतने ज्यादा दुखी जनता कभी नहीं हुई, और हम कांग्रेस पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में लोगों के बीच में जाकर उनकी आवाज सुनेंगे और उनकी आवाज को उठाएंगे।